सुशील मोदी सवाल खड़े कर रहे हैं आपके खेत पहले से कह रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार के द्वारा जेट विमान और एक हेलीकॉप्टर की खरीद के फैसले पर मुहर लग गई है, जिसके बाद एक कमेटी का गठन किया जा रहा है कि आखिरकार कितने खर्चे में एक जेट विमान और हेलीकॉप्टर बिहार सरकार खरीद सकेगी। एक तरफ जहां इस फैसले पर मुहर लगी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का यह कहना है कि जहां बिहार में लोगों के खाने पीने पर आफत है, वहां बिहार सरकार हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीद रही है। वहीं अब प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि सुशील कुमार मोदी लगातार इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने बड़े ही ठेठ अंदाज में जवाब दिया, अरे वो क्या बोलेगा, आपको पता है वो पहले क्या बोलता था। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि पहले यही लोग कहते थे कि अगर बिहार सरकार एक हेलीकॉप्टर और विमान खरीद ले तो बहुत अच्छा होगा, पहले हमने खरीदा भी था लेकिन फिर इसे ट्रेनिंग में दे दिया था, और जब जो भाड़े पर विमान हम लाए थे वो आप लोग जानते ही है ना कि कितना बढ़िया था। अगर बिहार सरकार अपने खर्चे पर एक विमान और हेलीकॉप्टर बिहार में खरीद लेती है तो ये सबके हित में ही होगा, कितना बढ़िया हो जाएगा। हमको तो आश्चर्य होता है कि कोई कैसे ऐसा बोल सकता है, जबकि पहले यही लोग खरीदने की बातें करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार किस तरीके से बीजेपी को करारा जवाब दिया है अपने इस फैसले को लेकर, सुशील मोदी पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। हर चीज कितना बढ़िया है, उनका जन्म सब जगह बाहर के रहने वाले लोग सबका ख्याल रखा जाता है, उनके सुरक्षा का खुशी की बात है। आप लोग भी सब सुशील मोदी सवाल खड़े कर रहे हैं आपके खेत पहले ही से कह रहा था, उसका पहले ही से आप जानते हैं कि हम लोग रखे नहीं थे, और उसके बाद उसको दे दिया ट्रेनिंग होता है वहाँ, और फिर हम लोग आए थे कितना बढ़िया लाए थे, और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का हमला, अच्छा रहा इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है, अगर आप पूछ लीजिएगा तो पहले ही लोग क्या बोलते रहते थे, हमारा घर दाना चाहिए। सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 5 तारीख से शुरू हो रही है, वो अपना पार्टी।